एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग से और एक मॉप क्लीनर जो है ना उसका आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँगी कि बड़ी आसानी हो जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो बस आज का व्लॉग मैं अपना थोड़ी सी क्लीनिंग से स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आज मैं किसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये मैंने डाइनिंग टेबल को शाइन कर दिया था, साफ़ कर दिया था अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका शीशा ना बड़ा गंदा हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है फिर बाद में साफ़ करना और बहुत बुरा भी लगता है गंदा। तो मैं इसके बारे में आज आपको रिव्यू दूँगी कि ये जिसके पास नहीं है तो वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इससे बड़ी आसानी हो जाती है मॉपिंग करने में। क्योंकि जिन लेडीज़ की कमर में दर्द होता है, आप यकीन करें इससे इतना मतलब इजी हो जाता है मॉप करना, मॉप लगाना, कि आप मतलब हमें बार बार वो नीचे झुक कर और नीचे होकर जो हम लोग लगाते हैं तो उससे थोड़ा ये कि इससे हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, हम इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बकेट बताऊंगी और ये इसके साथ एक होल्डर आता है। ठीक है, ये होल्डर ये देखिए इसकी लेंथ हो जाती है ज़्यादा इस तरह। ठीक है, और इसको हम मतलब जितना छोटा करना चाहें छोटा हो जाएगा ये। और ये देखिए, ये इसके साथ एक एक्स्ट्रा मॉप का एक वो डस्टर मिलता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा मिलता है और दो होते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा में होता है और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताती हूँ किस तरह यूज़ करते हैं। इसमें मैंने फ़िनाइल शाइनर और पानी डाल दिया। ठीक है, ये जो है ना सबर मैं आपको बताती हूँ, ये जो इसके अंदर एक ये जो होल सा आप देख रहे हो ना, होल तो नहीं बना हुआ सॉरी, ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ है, एक स्टेन सा बना हुआ होता है, स्टेनर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इससे क्या बोलते हैं। इसके अंदर आपने अपने इस मॉप को फिक्स करना है, फिर आप ये देखिए इसको फिक्स करने के बाद फिर इसको आपने पुश करना है। ठीक है, ये फिक्स होगा तभी ये पुश होगा। ये देखिए जैसे मशीन में हमारे कपड़े धुलते हैं तो इस तरह से ये कपड़े हम सॉरी मॉप हमारा साफ होगा। ठीक है, इसमें जब ये फिक्स होगा तो ये देखिए ये इस तरह जैसे मशीन में कपड़े धुलते हैं ये इस तरह से साफ होता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम इसको ऐसे स्ट्रेन करेंगे। अब ये 1, 2, 3, अब जब फर्स्ट टाइम आप मॉपिंग करोगे तो आपने इतना ही जो है ना इसको वेट रखना है, ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा ड्राई करना है तो फिर इसको आप बहुत ज़्यादा दफ़ा चलाओगे, जैसे ये देखिए ये किया हमने और ये बिल्कुल ड्राई होके निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। अब ये देखें इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको यू टर्न किया। ठीक है, और ये हमने ऐसे लगाया, कितना इजी है देखें आप। अब वरना अगर हम दूसरा मॉप कर रहे होते हैं, मॉपिंग कर रहे होते दूसरे वाले से, तो हमें पूरा झुक के नीचे घुटनों के बल बैठ के लगाना पड़ता। ये देखें, और दूसरी चीज इसकी ये है, दूसरी चीज इसकी ये है कि ये देखिए ये है लॉक सिस्टम। अगर आप इसको लॉक कर देंगे ये देखिए ये लॉक हो गया, ये नीचे नहीं जाएगा। और अगर आप इसका लॉक खोल देंगे ये देखिए तो ये ऐसे घूम घूम के राउंड होकर नीचे चला जाएगा, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज मैंने और आपको बतानी थी वो ये था कि ये ऐसा है, इसको जहां मर्जी आप जो है ना कोने में इधर उधर लेकर जाओगे तो बड़े प्यारे तरीके से सफाई करता है। ये देखिए ये इस तरह से इसका जो स्टिक है इस तरह होती है ना, तो आप इसको इस तरह से पहले टर्न करेंगे और उसके बाद ये देखिए अब डाइनिंग टेबल के मैं नीचे कहाँ तक इसको लेके जा रही हूँ। ये देखिए सॉरी ये टूटा नहीं है, ये निकल जाता है, इसी तरह से आप इसको दोबारा लगा सकते हैं। ये ठीक है, ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, इसको आप यहाँ ले कर आएँ, यहाँ ले कर आएँ। अब ये देखिए ये टर्न करके, वरना पूरा डाइनिंग टेबल मुझे निकालना पड़ता, मैं डाइनिंग टेबल भी निकाल के लगाती हूँ, बट अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए वो करें कि इसको आप जहाँ मर्जी लेकर जाएँ। ये देखिए ये देखिए आप कहीं भी लेके जाइए, कोने हुए इधर उधर साइडों पर सब जगह में। ये चेक करें आप ज़रा, ये मेरी मॉपिंग क्लीनिंग हो चुकी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको रिव्यू देने के लिए मैंने ये बनाई है, वरना ये मैं दिखा के नहीं करती। मैं सोचा अगर जिसके पास नहीं है, ज़रूरत की चीज़ है तो वो ज़रूर लें। ऑब्वियसली हर कोई सोचता होगा पता नहीं ये लें, ये पता नहीं वर्क करता है नहीं करता है, ये कैसा है। बहुत से लोगों ने लिया होगा, बहुत से लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिनके बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं ये।
ठीक है, ये देखिए कोने कोने तक जो है ना इसकी अच्छी सी डीप क्लीनिंग हो जाती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह हाफिज़।